नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स का हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है इस किताब का फिजिक्स में। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स आर ऑलवेज परफेक्ट बिकॉज, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द इंसिडेंट लाइट इज रेडियली अब्सॉर्ब्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। टू है आपका क्वेश्चन नंबर, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड डिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो टू का ऑप्शन नंबर है इंक्रीज। टू क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द राइज ऑफ टेंपरेचर, तो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज। 4 है प्योर सेमीकंडक्टर का, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए फाइनाइट रेजिस्टेंस व्हिच डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। 5 क्वेश्चन नंबर है, द इंप्योरिटी एटम्स विच प्योर सिलिकॉन शुड बी ड्रॉप टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज ऑफ। तो 5 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ पीएनसी बोरोन एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ जर्मेनियम हैज टू बी डॉप्ड विथ ए डोनर इम्प्योरिटी द फॉरेन एटम शुड बी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेंटावेलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए होल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी, ए मिसिंग इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड। तो 8 का राइट आंसर नंबर बी, when germanium crystal is doped with an impurity containing 5 valence electron। तो 9 है, a typical example of a semiconductor। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, germanium। क्वेश्चन नंबर 10 है, the resistance of a pn junction is formed by acid। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी, लो। क्वेश्चन नंबर 11, in an intrinsic semiconductor। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी, तो बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट एंड देयर नंबर्स इज द सेम। 12 नंबर क्वेश्चन, द रिवर्स बायसिंग इन ए जंक्शन डायोड। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, द रिवर्स बायसिंग इन ए जंक्शन डायोड। तो ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 है, When arsenic is added as an impurity to silicon, the resulting material। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। When arsenic is added as an impurity to silicon, the resulting material एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ए डायोड कैन बी यूज्ड फॉर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफिकेशन। डायोड इज कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है, डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर बी, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। 16 है, ए डायोड एज ए रेक्टिफायर कन्वर्ट्स। तो 16 का ऑप्शन नंबर है, ए CCUDC। 17 है, इन ए ट्रांजिस्टर द बेस इज। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, एन एक्सट्रिनसिक सेमीकंडक्टर। 18 है, ए ट्रांजिस्टर। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी, BNC इमिटर इज मोर हैवीली। तो इमिटर इज मोर हैवीली डॉप्ड देन द कलेक्टर, एंड द बेस इज मेड ए वेरी थिन एंड इज लाइटली डॉप्ड। 19 है, इन ट्रांजिस्टर। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इमिटर। 20 है, इन ए ट्रांजिस्टर द इमिटर करेंट इज। तो 20 का ऑप्शन नंबर स्लाइटली मोर देन दैट कलेक्टर करेंट। नेक्स्ट आपका 21, In the use of transistor as an amplifier, the 21 का ऑप्शन नंबर, the emitter base junction is forwarded biased and the collector base junction is reversed biased. 22 है, the positive charge carries in semiconductor। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, होल्स। 23 है, in a p type semiconductor the majority charge carries are। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, होल्स। 24 है, the unidirectional property of a PN junction is useful for its users। तो 24 का ऑप्शन नंबर है, रेक्टिफायर। 25 है, at 0 degree Kelvin a piece of germanium। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, बिकम पैड कंडक्टर।
दैट 0 डिग्री केल्विन इज केल्विन ए पीस ऑफ जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स बैड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड इज ऑल्सो ए पी एन जंक्शन डायोड, इट कैन बी यूज एज एन, तो आपका जो है 26 का ऑप्शन नंबर सी डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। 27 है एन ऑक्सीलेटर इज, तो एन ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव फीडबैक। 28 है इन ए पी टाइप से भी कंडक्टर, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होल्स आर मेजोरिटी कैरीज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरीज। 29 है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर सिलिकॉन सैंपल कैन बी इंक्रीज बाय, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डॉपिंग इट विथ एक्सेप्टर एंड डोनर इंप्योरिटी एंड शाइनिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन इट। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। 31 द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्पोर्ट डीसी आउटपुट फ्रॉम इलेक्ट्रीफायर सर्किट इज कॉल्ड, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी फिल्टर। 32 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 आर राइट। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऑफ 3 or 5 ग्रुप एलिमेंट ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर विद इट्स रेसिस्टिविटी, आपका दोनों सही है। 33 है इन ए गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बॉन्ड इज, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी 0। 34 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर बाय, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए फोटो सेल इन फॉरवर्ड बायस। 35 है द वेव्स रिलेवेंट टू टेलीकम्युनिकेशन है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव। 36 है मॉडर्न मेजर डिवाइस यूज फॉर, तो 36 का ऑप्शन बी कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। 37 है डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, और 37 का ऑप्शन नंबर बी ऑनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल ऑप्शन नंबर बी इज मोर रिलायबल देन एनालॉग सिग्नल। 39 है मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज, तो ऑप्शन नंबर बी डिजिटल सर्किट। 40 है फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज नॉर्मली, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए 30 to 300 MHz। 41 है द ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल 41 का ऑप्शन बी कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली ओवर द एयर फॉर लार्ज डिस्टेंस। 42 है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज जनरली प्रीफर्ड ओवर जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज, 42 का ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इट इज मोर इफिशियंट एंड ऑप्शन ऑफ सिग्नल सिक्योरिटी। 43 है डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो 43 का ऑप्शन बी 10 to the power -4 सेंटीमीटर। 44 इंटेल सेट सैटेलाइट वर्क्स ऐसे, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी रिपीटर। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज यूज्ड इन शिप टू शोर एंड शोर टू शोर एंड शोर टू शिप कम्युनिकेशन, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी मैरिज सेट। 46 है इंटेल सैट सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर, सो 46 का ऑप्शन बी इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन। 47 है द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज फॉर रडार रिले सिस्टम एंड टेलीविजन, 47 का ऑप्शन नंबर ए UHF। नेक्स्ट आपका 48 है द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन, द 48 का ऑप्शन सी देयर फ्रीक्वेंसी। 49 है रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, द 49 का ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटर। 50 है द स्पेस वेव्स व्हिच आर अफेक्टेड सीरियसली बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी UHF। 51 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसड्यूसर, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी एम्पलीफायर। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन है एंटीना है, तो आपका एंटीना क्या है, तो 52 का ऑप्शन नंबर ए से जगह इंडक्टिव। 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल डुप्लेक्स, तो 53 का ऑप्शन है मोबाइल फोन। 54 है द स्काई वेव प्रोपोगेशन इज सुटेबल फॉर रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 54 का ऑप्शन सी फ्रॉम 2 MHz टू 30 MHz। 55 है रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो 55 का ऑप्शन सी एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। 56 है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, तो 56 का ऑप्शन सी न्यूट्रल। 57 है SMEconducting, तो SMEconducting डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड रेसिस्टेंट, करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी रिवर्स द करंट ड्रॉप्स टू 0 द डिवाइस में भी, तो 57 का ऑप्शन नंबर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। 58 है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इज कॉल्ड, तो 58 का ऑप्शन में भी हाफ डुप्लेक्स। 59 है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2143। ठीक है, तो जर्मनियम एट 0 केल्विन ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर,
जर्मेनियम ऑफ ट्रू टेम्परेचर, ये आपका इंस्ट्रिनिक सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम डॉप विद आइडियम, ये आपका हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर, और जर्मेनियम डॉप विद आर्सेनिक, ये आपका हो जाएगा एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, तो 60 का ऑप्शन भी आयनोस्फेरिक वेव, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, ऑप्शन भी आयनोस्फेरिक वेव। 61 है, थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपगेशन, थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपगेशन द रेडियो वेव्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो 61 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, तो कम्युनिकेशन सिस्टम 62 का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल। असर्शन रीजन है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, तो इसमें आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ असर्शन रीजन का, तो शॉर्ट वेव बैंड आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव टू ए लार्ज डिस्टेंस, तो 63 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आपका मतलब ये मतलब इफ बोथ इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑफ द रीजन असर्शन। ठीक है, तो आपका दोनों सही है, तो शॉर्ट वेव बैंड आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव टू ए लार्ज डिस्टेंस, आपका सही है, रीजन कह रहा है शॉर्ट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फीयर, आपका दोनों सही है, आपका रीजन भी सही है। 64 है, असर्शन और रीजन है, तो डिस एंटीना, ए डिस एंटीना इज हाईली इनडायरेक्शनल, तो ए डिस एंटीना इज हाईली डायरेक्शनल, रीजन आर है दिस इज बिकॉज ए डायपोल एंटीना इज ओमनी डायरेक्शनल, तो 64 का आइटम ऑप्शन बी ए एन आर आर टू, आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका सही नहीं है। ठीक है, 65 है, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ इट इज, तो 65 का ऑप्शन में भी ये हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। 66 है, इन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन आर प्रोड्यूस ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए फ्लोरोसेंट व्हाइट स्क्रीन। 67 है, विथ व्हाट डज द टर्म डॉल्बी डी और डॉल्बी सी प्रिंटेड ऑन टेप रिकॉर्डर्स एंड अदर साउंड सिस्टम रेफर टू, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी नॉइज डिटेक्शन सर्किट। 68 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइस, तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ यूज 2.4 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड वेयर एज वाईफाई कैन यूज 2.4 GHz और 5 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड। 69 है, द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट न्यूज इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस, तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वन ओनली आपका राइट है। ठीक है, द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट न्यूज इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल, तो आपका वन सही है, इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई डिलिमिटरी पार्टिकल्स हैव मास। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन आयंस नॉट कंटेन एनी प्रोटोन। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपका कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द गैसेज, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, ये आपका तीनों सही है। 71 है, व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ पी एंड एन टाइप आर ग्राउंड इन कॉन्टेक्ट दे फॉर्म पी एन जंक्शन विच एक्ट्स लाइक एन, तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर। 72 है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, तो 72 का राइट ऑप्शन बी मार्लिन कॉपर। 73 है, टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो 73 का ऑप्शन बी जेएल बर्ड। 74 इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, आपका तीनों सही है। 75 है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एडिंग मशीन, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी ब्लेज पास्कल। 76 है, इन MIRC स्टैंड फॉर, तो आपका 76 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, ऐसे होना चाहिए, आर सी आपका गलत है। ठीक है, सी का नहीं दिया गया, क्या मतलब होता है। 77 है, इन ए बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इन ए बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर, तो 77 का ऑप्शन बी, द बेस हैज द लिस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी, द बेस हैज द लिस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी। 78 है, इन केस ऑफ ए
इनकेस ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो 28 का ऑप्शन नंबर है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट जीरो। इन केस ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट जीरो 28 का, ठीक है। 79 एट लो टेम्परेचर लीड बिहेव्स एज़ ए, तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसुलेटर। एट लो टेम्परेचर लीड बिहेव एज़ ए ऑप्शन नंबर सी इंसुलेटर। सो 80 है द गिवन लॉजिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट, तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड गेट। 81 है एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट इज इंडिया फर्स्ट, 81 का ऑप्शन नंबर सी चाहिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी। 82 है द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इज कोलैबोरेटिंग विद ISRO टू डेवलप, 82 का ऑप्शन नंबर बी गैस सोलर सेल, ठीक है गैस सोलर सेल। 83 है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 83 का ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड रशिया। 84 है व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है जीमन इफेक्ट है। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए रामा गुंडम इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। 86 है थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट, तो थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, 86 का ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल ट्रीटमेंट। 87 है इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण वाज कोड नेम एस, तो आपका 87 का ऑप्शन नंबर डी स्माइलिंग बुद्धा। 88 है वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कला कल्पकम। 89 है ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 90 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन, तो 90 का ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। 91 है विच जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय ISRO टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी GSLV MK3 MO1। नेक्स्ट आपका 92 का क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो 92 का ऑप्शन नंबर सही है बी अल्ट्रावायलेट जो भी। 93 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी रेडियो वेव्स। 94 है ए बफर एम्पलीफायर, तो 94 का राइट ऑप्शन नंबर बी हाई गेन TC एम्पलीफायर। 95 है द डिसएडवांटेजेस ऑफ FM ओवर AM इज दैट, तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लार्ज बैंड विड्थ इज रिक्वायर्ड। 96 है इन ए टीवी रिसीवर एंटीना द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर रॉड, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी इज मोर देन दैट ऑफ डायपोल। 97 है ए कॉर्डलेस टेलीफोन यूजिंग सेपरेट फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन इन बेस एंड पोर्टेबल यूनिट्स इज नोन एज, तो 97 का ऑप्शन नंबर है डिप्लेक्स अरेंजमेंट। 98 है कमर्शियल फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ FM, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी 25 किलोहर्ट्ज़ है। 99 है एन FM रेडियो रिसीवर विच इज टर्न टू ए 19.91.6 मेगाहर्ट्ज़ ब्रॉडकास्ट स्टेशन मे रिसीव एन इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश मेगाहर्ट्ज़, 99 का ऑप्शन नंबर बी 113 हो जाएगा। 100 है PAM स्टैंड फॉर, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। 101 है द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ ए स्टैंडर्ड AR स्टेशन ओवर द टोटल बैंड एलोकेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अबाउट, तो 101 का ऑप्शन नंबर है 0.5 केल्विन KV। तो आपका जो है द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ ए स्टैंडर्ड AR स्टेशन ओवर द टोटल बैंड एलोकेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन 0.5 KW, ठीक है KW हो जाएगा, ठीक है। 102 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग, तो 102 का ऑप्शन नंबर बी सही है PWM। नेक्स्ट आपका है 103 DVD यूजेस, तो DVD ऑप्शन नंबर लेजर बीम फॉर बोथ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। 104 है ए मॉडेम इज क्लासिफाइड एज लो स्पीड इफ डाटा हैंडल इज, तो 104 का डाटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप टू 600 BPPS। 105 है टेलीफोन चैनल, तो टेलीफोन चैनल रिक्वायर्स एट बैंडविड्थ ऑफ अबाउट 105 का ऑप्शन बी 3 KHz। 106 है इन एफएम रिसीवर एम्पलीट्यूड लिमिटेड, तो इन एफएम रिसीवर एम्पलीट्यूड लिमिटेड 106 ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट्स एनी चेंजेस इन एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड FM सिग्नल। 107 आपका सर्सन ओरिजन है, तो 107 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तो
इन एफएम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन एफएम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरिड बाय द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, ये आपका सही है। एफएम एंड पीएम, तो एफएम एंड पीएम आर द टू फॉर्म्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन, दोनों सही है। 108 है इन टीवी सिस्टम, तो इन टीवी सिस्टम इक्वलाइजिंग पल्सेस आर सेंट ड्यूरिंग, तो 108 का ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल बैंकिंग ब्लैंकिंग। 109 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सीडी, तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटी क्लॉकवाइज। 110 है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 किलोहर्ट्ज़ टू 3000 किलोहर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 किलोहर्ट्ज़ टू 3000 किलोहर्ट्ज़ इज नोन एज, तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीडियम फ्रीक्वेंसी। 111 है व्हाट कंडीशन मस्ट बी, तो व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ए गुड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, तो व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ए गुड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल ऑफ देम, हाई रेट डाटा, हाई फिडेलिटी एंड लोअर ट्रांसमिट पावर। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो जो कि आपका यहाँ पर समाप्त होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।